का एमएलए राजगामपुर देखूँ तो आज ओडिशा गोटे कांग्रेस सम्मेलन होता ऐतिहासिक सम्मेलन एत भिड़ बोधे लास्ट 10 इयर्स तो निजे देखनी लोकों जो उत्साह अच्छी 25 वर्ष जो शासन ओडिशा और 10 वर्ष शासन जोटा बीजेपी सेन्टर में तार विरोध में लोकों जो आक्रोश अच्छी महिला मानते अत्याचार आदिवासी मान अत्याचार छात्र मान कम हो दलित मान अत्याचार चाषी मान कथा शुणुना यही सब जिनस आलोचना है आगामी 24 निर्वाचन में कमी कांग्रेस भल कर प्राण देवाई ही आसते आम एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज रेस्पन्स आज लोकों जो मैंने ये देखिए लगुच कांग्रेस 2024 बहुत भल कर 2024 कांग्रेस मैंने ओडिशा रे कमी कौन परिस्थिति केन्द्र दुईटा देखो केन्द्र रे तो आप देखुं बहुत बढ़िया आम इम्प्रूव कर सारे राहुल गांधी जो पदयात्रा है न्याय यात्रा होती लोकों रेस्पन्स संगे संगे जो भाई भाव में मोदी सरकार को जो जिन सब एक्सपोज हो अदानी अंबानी संगे रिलेशनशिप को लेकिन जहाँ फेल्योर ऑफ नेशन जहाँ को कहा महिला मान अत्याचार खिलाड़ी मान अत्याचार यही सब जिन लोक मैंने स्वयं करें खाली राम भरोसे अच्छा भगवान समस्त सागर अच्छा से मैंने जो पैटर्नलेज भगवान को करने चाहते टोटाली भूल से जिन कहीं ग्रहण करेंगे ओडिशा रे देखते आम जो आउटसोर्सिंग मुख्यमंत्री जो चिंता करा जगन्नाथ संस्कृति को छाड़ी जो बचापी चेस्टा कर जिस हेनी लोक कांग्रेस को ही ग्रहण करेंगे कांग्रेस भल कर देखो किसी ना भी आम 500 आम निर्वाचन मंडल अच्छा आज जो सुंदरगढ़ जिले में कहें कि ना भी आम 1.5-2 हजार आसी जो मैंने ठोस कर्मी आसते आ देखिए राहुल गांधी के पदयात्रा आम सुंदरगढ़ देखी जाऊँगी से देखिए याठ भी बेस भिड़ हम हजार हजार संख्या लोक दूसरा दल भी जोग कांग्रेस में देवे आ लोक जो रेस्पन्स अच्छे से जल जंगल जमीन लड़े आदिवासी मान लड़े माइग्रेसन लड़े चाकरी मिलूनी आम कलकारखाना थी जो लोक बेकार युवक युवती सब जिनस जो समस्या अच्छी आम स्कूल टीचर ना सब समस्या आस राहुल गांधी के जो पदयात्रा आसो न्याय जात्रा से सक्सेसफुल हम सुंदरगढ़ में सुंदरगढ़ में देखिए आम 7टा रु किसी ना 5टा आम विधानसभा और लोकसभा जितने 2024 निर्वाचन रे बीजेपी बीजेडी को हरे कांग्रेस जनसाधारण को संतुष्ट कर देखो तेलंगाना जिते बेले इम्पोसिबल था अजय कुमार जी ही प्रभारी थे अढ़ई मस रे अजय कुमार जी जो प्रचेषा और जो रणनीति जमी आगे नहीं आसे एबी आम ओडिशा देखूँ 25 वर्ष राज्य सरकार और 10 वर्ष केन्द्र सरकार जहाँ जहाँ अनीतिक काम मान तार विरोध में कांग्रेस आ कांग्रेस देखो सब जिनस करके आसला खाली आम जो पब्लीसीटी करें लोकों पाखे जापी किसी गोटे भूल था से जिनसा संशोधन हो जो रेस्पन्स आज देखे से जिनसा आगामी 17 डेज्रे हम आ 70 दिन में जो आम इलेक्शन आसूस तार प्रस्तुति आम अच्छी भल कर लोक मनस्थिर कर सारे परिवर्तन आवश्यकता अच्छी से परिवर्तन करेंगे आज जेहेतु अखिल भारत कांग्रेस कमिटर सभापति अजय जी आसंग अनुभूति बताई ऊर्जा भर्ती कर समस्त मन उत्साह सृष्टि कर्मी मन में जो लड़े आज संकल्प कराई लड़ापाई 4.5 कोटी ओडिया लोकों मन जो भाव अच्छी ताको नहीं कांग्रेस आगामी दिन रास्ता को ओब सरकार को हरड़ घोड़ पकेब जहाँ अवस्था सारा लोक कांग्रेस ठिया हम ये एक परिवर्तन लहर आरंभ हो गला लोकों मन में गोटे पर आशा आसीगला आगामी दिन से परिवर्तन अवश्य हम भी 2024 कांग्रेस दल सरकार कर सुशासन थैंक यू बहुत बड़ा अधिवेशन भी हुआ बहुत से निर्णय भी हुए और सारे देश के जनता को अपनी आइडियोलॉजी का जो असर डालना था वो यहीं पर हुआ इसीलिए ओडिशा महत्व का है और हमारे पार्टी से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे अपन माने जानी थंती आगामी दिन रे जो 2024 निर्वाचन हवा को जाउची ओडिशा रे थिबा बीजेपी सरकार बीजेडी एवं बीजेपी मिथिले 9 वर्ष पर्यंत एठी ओडिशा रे थिले ओडिशा को गुडे दरिद्र राज्य भाव रे परिणत करबेट करथिबा नवीन पटनायक सरकार ताको बर्खास्त करबा को पडिबो सेति पे अपन माने प्रस्तुत देखि रहबा को मन दोत करछि 22 वर्ष 24 वर्ष पर मध्य आज लक्ष लक्ष कांग्रेस कर्मी कांग्रेस पथरे पहाड़ पर हिमालय पर जो छिड़ा है
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଯଦି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 90 ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଭୋଟ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆଜି ଯୁବମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଲୁଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଜି ମାଇନ୍ ସ୍କାମ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାର, ଆଜି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମିଶିକିରି ଖାଇକରି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିନଥିବା ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି, ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 6 କନଭିକ୍ସନ ହେଉଛି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ପୂଜ୍ୟ କଥା କରିଛି, ଇଏ ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଖଟିକିଆଙ୍କ କଥା ପଚାରିବା କିଏ, ବେଇମାନ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ, ବାଇନ ଆଣିଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଜମି ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି କରୁଛୁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯଦି ସରକାର ଦରଦ ଅଛି, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦରଦ ଅଛି, ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପେଶା ଆଇନ ଆଣୁ, ତାହେଲେ ପେଶା ଆଇନ ଆଣୁ। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉଟା ଆଦିବାସୀ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଦଳିତ ଅଛି, ସେଇଟା ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିବେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ଲଢେଇ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବକ୍ତା ସବୁ କହିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୋହରେଇବିନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ହଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଦିନରେ ଠିକ ବର୍ଷେ ତଳେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଆଜିର ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଜବାବ ମାଗୁଛି, କିଏ ଥିଲା ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ, କିଏ ପର୍ବ ପଛରେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଦରଣୀୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତମାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା। ମଲ୍ଲିକ